हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिरर ऑफ ट्रूथ पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोक्लेव के बारे में। ऑटोक्लेव एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके सहारे माइक्रोब्स को किल किया जाता है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी ऑटोक्लेव के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑटोक्लेव एक इंस्ट्रूमेंट, एक इक्विपमेंट होता है जो माइक्रोब्स को किल करने के लिए, वायरस, बैक्टीरिया या फंगस को मारने के लिए, या फंगस या बैक्टीरिया के स्पोर को मारने के लिए यूज़ होता है। जहाँ पे हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या उनके स्पोर्स को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के सहारे किल करते हैं। और यह इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट आधारित होता है मॉइस्ट हीट के ऊपर। ऑटोक्लेव जो है वो एक प्रेशराइज्ड डिवाइस है जहाँ पे हम वाटर को हीट करते हैं जिससे कि वेपर बनता है, प्रेशर क्रिएट होता है और उसी प्रेशर के सहारे माइक्रोब को मारते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और क्लेविस का मतलब होता है सेल्फ लॉकिंग डिवाइस, जो खुद ब खुद लॉक होकर माइक्रोब्स को किल करने का काम करता है। ये सबसे बेहतर तरीके से माइक्रोब्स को मारता है। ये कैसे काम करता है? तो लिक्विड वाटर कैन नॉट बी हीटेड। यहाँ पे जब हम लिक्विड वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ओपन वेसल में हीट नहीं कर सकते, इसीलिए इसके अंदर हीट करते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, उससे ज़्यादा पे भी करते हैं। प्रेशर यहाँ पे राइज हो जाता है एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो बढ़ जाता है, अचीव हो जाता है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है। इसका इस्तेमाल हम माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में, मेडिसिन में, वेटनरी साइंस में, डेंटिस्ट्री में या मेटलर्जी के अंदर हम करते हैं। प्रमुख रूप से इसका इस्तेमाल माइक्रोबायोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में किया जाता है, जहाँ पे कल्चर मीडिया को स्टेराइल करने के लिए या किसी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेराइल करने के लिए हम ऑटोक्लेव का प्रयोग करते हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण डिवाइस होता है। इसके डिज़ाइन को चार्ल्स चैम्बरलैंड ने फाइनलाइज किया था। और पर्पस की बात करें तो कोई भी मटेरियल है, अगर आपको बैक्टीरियोलॉजिकल सेल कल्चर बनाना है या टेस्ट ट्यूब है, पीपेट है, पेट्री डिश है और आप चाहते हैं कि उसमें कॉन्टामिनेशन ना हो, तो आप उसको स्टेरिलाइज कर सकते हैं ऑटोक्लेव के द्वारा। इसके अलावा सैंपल लेने के लिए नीडल ट्यूब या कंटेनर्स को आप स्टेराइल कर सकते हैं, या किसी भी कॉन्टामिनेटेड मटेरियल को स्टेरिलाइज करने के लिए, यानी उसके अंदर मौजूद माइक्रोब्स को मारने के लिए आप ऑटोक्लेव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटोक्लेव काफ़ी बेहतर तरीके से माइक्रोब्स को किल करता है। और प्रिंसिपल की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है, कि जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होता है। जब प्रेशर इंक्रीज होता है किसी भी क्लोज्ड चैम्बर के अंदर, तो वहाँ पे वो प्रेशर 15 PSI यानी पर स्क्वायर इंच का हो जाता है। तो वहाँ पे तापमान 121 डिग्री सेल्सियस होता है। और इस तापमान और प्रेशर पे 20 मिनट के लिए जब हम ऑटोक्लेविंग करते हैं, तो वहाँ पे मटेरियल के ऊपर मौजूद माइक्रोब्स आसानी से किल हो जाता है। इट इज़ सफिशियंट टू किल द ऑल वेजिटेटिव फॉर्म्स। ये एक पर्याप्त तापमान है जिसपे माइक्रोब और उसके स्पोर दोनों को मार सकते हैं। यहाँ पे आपको एक टेम्परेचर रेंज दिया गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो इस प्रेशर है वो 0 है, 110 पे 5 होता है, 116 पे 10, 121 पे 15, 126 पे 20 और 135 पे वो प्रेशर और इंक्रीज हो जाता है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है जो गन मेटल से बना होता है। यहाँ पे कंट्रोलर विद द टाइम एंड टेम्परेचर, यानी कि टाइम और टेम्परेचर को सेट करने के लिए नॉब होते हैं। बैकलिट अल्फा न्यूमेरिक 2 लाइन होते हैं। 32 कैरेक्टर का LCD डिस्प्ले होता है ऑटोमेटिक में, जहाँ पे हमें वो दिखाई देता है। लो वाटर लेवल रखते हैं, उसको भी डिटेक्ट करने के लिए वहाँ पे सेंसर होता है। ओपन शॉर्ट अलार्म, कट ऑफ अलार्म और लिड होता है यानी ढक्कन होता है जो पूरी तरीके से बंद होता है, जिसके ऊपर प्रेशर गॉज, सेफ्टी वाल्व, सेफ्टी फ्यूजिबल प्लग, ये सारी चीज़ें लगी होती हैं। लीड इंश्योर एन एयर टाइट क्लोजर, ढक्कन जो होता है वो तय करता है कि ऑटोक्लेव पूरी तरीके से बंद है। एंड परफोरेटेड प्लेट होता है जो इस्तेमाल किया जाता है मटेरियल को रखने के लिए जिसको हम स्टेलाइज करना चाहते हैं। ड्रेन वाल्व होता है जिससे स्टेलाइजेशन के बाद वाटर को ड्रेन आउट किया जाता है या क्लीन किया जाता है चैम्बर को। मॉड्यूलेट रबर का गैस्किट होता है स्टेनलेस स्टील के लीड के ऊपर, जो उसको पूरी तरीके से लॉक करता है। मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो हीटिंग एलिमेंट, टेम्परेचर कंट्रोलर, प्रेशर सेंसर, चैम्बर, डोर गैस्केट, सोलेनॉइड वाल्व और वाटर लेवल सेंसर, ये प्रमुख कंपोनेंट्स हैं जो ऑटोक्लेव के अंदर पाए जाते हैं और ये सब अपना डेजिग्नेटेड रोल परफॉर्म करते हैं।
बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से हीटिंग एलिमेंट होता है जो हीट करता है वाटर को। ये हीटिंग एलिमेंट होता है जो वाटर को हीट करने का काम करता है। ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। प्रेशर सेंसर होता है जो प्रेशर को सेंस करता है। चैम्बर होता है जिसके अंदर ट्रे रखे होते हैं, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों हो सकते हैं। डोर गैस्केट होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि डोर पूरी तरीके से क्लोज है। ये सोलेनॉइड वाल्व होते हैं जो कई बार डिटेक्शन करते हैं। वाटर लेवल सेंसर होता है, जब वाटर लेवल कम हो तो ये सेंस करके इंडिकेट करता है। सेफ्टी की बात करें तो वेरी हाई प्रेशर इन्वायरमेंट होता है, ऑटोक्लेव क्रैक हो सकता है, लीक हो सकता है। और इंडस्ट्रियल ऑटोक्लेव जो है उसको ऑपरेट हाई टेम्परेचर पर किया जाता है, तो सावधानी रखनी है आपको। इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट जो होता है ऑटोक्लेव का वो केयरफुली बनाया गया है। कंडेंसेंट रिलीज होता है, काफ़ी हॉट होता है एंड सप्लाई ऑफ कोल्ड वाटर सो कंडेंसेंट डज नॉट मेल्ट द, इसमें डायरेक्ट हमें कोल्ड वाटर को सप्लाई नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान हो। तो ये सारी जानकारी ऑटोक्लेव के बारे में थी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।